वेलकम बैक स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर। दोस्तों यहाँ पे जो है हम आज देखेंगे बड़ी खबर है। यहाँ पे टाटा मेमोरियल सेंटर से जो है वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों यहाँ पे स्टेनोग्राफर के साथ साथ कई अन्य पदों पे भी पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी है, तो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। बेसिक यहाँ पे हम आपको बताएंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप लोग लास्ट तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि लास्ट तक वॉच करेंगे तभी आपको पूरी जानकारी जो है मिल पाएगी। और इसका जो है PDF हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, नहीं तो हम आपको इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ऑथेंटिक वेबसाइट पर भी विजिट कर पाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको PDF मिल जाएगा। और यहाँ पे ज़्यादा देरी न करते हुए हम यहाँ पे देख ही लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है, प्रोसेस क्या है, सब कुछ हम बात करेंगे। और यहाँ पे स्पीड क्या रहेगी शॉर्ट हैंड की, और यहाँ पे टाइपिंग का क्या प्रोसेस है, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फीस क्या रखी गई है, और लास्ट डेट कब है, सब कुछ हम वन बाय वन सब कुछ हम बात करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये देखिए आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया टाटा मेमोरियल सेंटर, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल परेल मुंबई, ठीक है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है। किस यहाँ पे किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है ये हम आपको दिखाते हैं। एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है, ठीक है। ये जो है आपका एडवर्टीजमेंट नंबर जो है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है दिया गया है, देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर जो दिया गया है आपको, ये एडवर्टीजमेंट नंबर मिल जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये डेट है, एडवर्टीजमेंट नंबर जो एडवर्टीज जो हुआ था, ये पब्लिश हुआ था जब, उसका डेट यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे टाटा, यहाँ पे TMC और HBNI, ठीक है, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, इसके सब यहाँ पे है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पे जो वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे जो पोस्ट लेवल है, कितना पोस्ट है, सब कुछ हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है, ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पोस्ट है, और यहाँ पे आपका सैलरी हो गया कितना दिया जाएगा, और ठीक है, और यहाँ पे लेवल कितना दिया जाएगा ये है आपका, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका कितना होना चाहिए ये चीज़ दे दिया गया। और लोकेशन दोस्तों, यहाँ पे लोकेशन भी दे दिया गया है कि कहाँ पे आपको जॉब दी जाएगी, ठीक। आगे देखेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे क्या था, असिस्टेंट प्रोफेसर ई था, और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर ई है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मेडिसिन करके है, ठीक है, मेडिसिन है, और यहाँ पे क्या है ऑक्नोलॉजी, ठीक है, ऑन्कोलॉजी है, ठीक। यहाँ पे दो पोस्ट है, ऑन्कोलॉजी में दो पोस्ट है। और यहाँ पे भी दोस्तों देखेंगे तो लेवल 12 आपको दिया जा रहा है, और यहाँ पे एज लिमिट भी दे दिया गया है कि अपर लिमिट जो है आपका 45 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे एक्सपीरियंस का भी दे दिया गया है, और लोकेशन भी दे दिया गया है, आप लोग देखेगा। और यहाँ पे मेडिकल का दे दिया गया है दोस्तों, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट का दो पोस्ट है, और यहाँ पे जो है लेवल 12 ही दिया जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे दे दिया गया दोस्तों, यहाँ पे एक पोस्ट है, सब कुछ आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सेंटर जो लोकेशन है आपका, ये लोकेशन सभी में दे दिया गया है, लोकेशन भी देखते रहिएगा, ठीक है। और यहाँ पे रेडियो का है, यहाँ पे देखिएगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर ये रेडियो के हैं, तो यहाँ पे सेंटर देख लीजिएगा, और यहाँ पे लेवल 12 ही दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए आप लोग पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर हम एक एक को बताते चलेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं मेन क्या चीज़ का, स्टेनोग्राफर का देखते हैं, ठीक है, जिससे के लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं उसका हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे स्टेनोग्राफर का हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप लोग धैर्य पूर्वक देखिए वीडियो, और हम आपको ये पहुँच गए हैं, ठीक है। ये आपको हो गया टेक्नीशियंसी, और यहाँ पे आपका 12 पास है, साइंस डिप्लोमा है तब भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे टेक्नीशियंसी का, यहाँ पे डेंटल का हो गया, फिर आगे हो गया टेक्नीशियंसी प्लम्बर हो गया, फिर यहाँ पे आगे हम स्टेनोग्राफर का, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो है कितना टोटल पोस्ट जो है आपका, टोटल पोस्ट 6 है, ठीक है, टोटल पोस्ट 6 है। और लेवल कितना दिया जा रहा है आपका, सैलरी का लेवल जो होगा लेवल 4 दिया जाएगा आपको सैलरी। और यहाँ पे एज की बात करें तो एज जो है 27 साल मैक्सिमम एज रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों डिक्टेशन का जो हम बात कर लें, तो यहाँ पे देखिए डिक्टेशन का जो है ये दे दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये नहीं क्लैरिफाई किया गया है कि यहाँ पे पूरा
नहीं बताया गया कि स्टेनो जो है यहाँ पे हिंदी वालों के लिए है, इंग्लिश वालों के लिए, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है नोटिफिकेशन में, ठीक है, कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। अगर आप लोगों को दिखे तब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन वहाँ ऐसे तो यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की हम बात करेंगे, तो ग्रेजुएशन, ठीक है, स्नातक मांगा गया है, और यहाँ पे आपका शॉर्ट हैंड स्पीड जो होगी 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होगी, और टाइपिंग का जो होगा, ठीक है, टाइपराइटिंग का जो होगा आपका 40 शब्द प्रति मिनट स्पीड इसका भी होना चाहिए, और कंप्यूटर कोर्स का यहाँ पे मिनिमम आपको 3 महीने का जो है आपके पास इसका नॉलेज होना चाहिए, मिनिमम 3 महीने का यहाँ पे दे दिया गया है कि आपको एमएस ऑफिस जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे भी काम करने आता हो, ठीक है। फिर कंप्यूटर यहाँ पे डिग्री कंप्यूटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एग्जेम्प्टेड यहाँ पे 3 महीने का हो गया, और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये वरीयता उन्हीं को दी जाएगी जिनके पास डिप्लोमा का यहाँ पे कोर्स का सर्टिफिकेट होगा, उनको वरीयता पहले दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे और जनरल कंडीशन जो इनका दिया गया है, सामान्य कंडीशन जो भी है वो तो सभी के लिए रहता है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन है कि लास्ट डेट की हम बात करें तो लास्ट डेट ये आपका हो गया, ए पे लास्ट डेट रखा गया है, लास्ट डेट आपका है 18/2/22, ठीक है, 18 फरवरी यहाँ पे लास्ट डेट है। कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? 5:30 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 5:30 से पहले ही अप्लाई कर। देखिए जिनके पास क्वालिफिकेशन है, इच्छुक परीक्षार्थी जो हैं दोस्तों यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम का देखेंगे तो फिर देखते देखते क्या होता है कि टाइम निकल जाता है, तो आपको लास्ट डेट पे फिर अफरा तफरी मचने लगता है कि वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है, फिर वहाँ पे आपका फ़ोटो नहीं अपलोड हो रहा है, पैसा पेमेंट नहीं हुआ है, फिर वहाँ पे एक टेंशन अलग से माइंड में आ जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपका एप्लीकेशन होगा ओनली ऑनलाइन मोड ही यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन का कोई यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन सी जो देखेंगे, कैंडिडेट विल बी स्क्रीन द यहाँ पे देखिए, तो जो दोस्तों जो है आपका पहले इंटरव्यू कराया जाएगा, फिर उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा, फिर उसके बाद क्या होगा आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। स्किल टेस्ट जिसका भी जैसे कि स्किल टेस्ट है उसी हिसाब से स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जैसे स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट है तो यहाँ पे स्किल का मतलब है कि आपको शॉर्ट हैंड लिखना होगा, फिर उसके बाद ट्रांसक्राइब करना होगा, ये आपका हो गया स्किल टेस्ट। यहाँ पे दोस्तों ये नहीं दिया गया है कि कितना मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा, लेकिन इतना तो दिया गया है कि 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन रहेगा और 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आपका टाइपिंग होना चाहिए। और आगे देखेंगे तो यहाँ पे जो दे दिया गया है, ठीक है, इनकम्प्लीट एंड ऑनलाइन नॉन सबमिटेड एप्लीकेशंस विल बी सेपरेटली रिजेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पे ई ऑप्शन जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे ई ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे फिर वही चीज़ दे दिया गया कि आपका एग्जामिनेशन जो होगा, पहले इंटरव्यू होगा, फिर रिटर्न एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, कैरी डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पे जो आपका वन सेट यहाँ पे, ठीक है, ओरिजिनल क्या लिखा गया दोस्तों, ये यहाँ पे टिक कर दिया, तो दिख नहीं रहा ओरिजिनल, ठीक है, कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ वन सेट ऑफ कॉपी, ठीक है, किस चीज़ का आपके पास कॉपी होना चाहिए ये आपको दे दिया गया है। नीचे आप पॉइंट वाइज देख लीजिएगा, पॉइंट वाइज यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। इंटरव्यू, रिटर्न एग्जाम, स्किल टेस्ट, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ का जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, बर्थ सर्टिफिकेट में दोस्तों क्या होता है कि आप हाई स्कूल का जो है आप मार्कशीट लगा देंगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट बनता नहीं था, ये तो अब बनने लगा है, क्योंकि पहले भी बनता था तो वहाँ पे कोई इतना ध्यान नहीं देता था कि बनवाएं ना बनवाएं। फिर यहाँ पे देखें, फिर हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, और जिसके पास एक्सपीरियंस का है दोस्तों, एक्सपीरियंस का है, सैलरी स्लिप, आइडेंटिटी कार्ड, वो भी अपना लगा देंगे, ठीक है। तो आगे देखेंगे यहाँ पे, फिर कास्ट सर्टिफिकेट भी है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट में SC ST का जो है, OBC का है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका भी लगाएंगे। फिर यहाँ पे EWS वालों के लिए जो है, EWS जो है वो भी अपना लगाएंगे। फिजिकल और यहाँ पे जो आपका फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी अगर जिस जो है वो अपना लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे डाउट में मत पड़िएगा कि यहाँ पे जो थ्रू प्रॉपर चैनल दे दिया गया है, ठीक है, थ्रू प्रॉपर चैनल जो दे दिया गया है ये उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जो पहले से कहीं पे जॉब कर रहे हैं। अगर वो अप्लाई करते हैं तो, ठीक है, वो अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे उनको थ्रू प्रॉपर चैनल से भेजा जाएगा। थ्रू प्रॉपर चैनल का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ से उनका फॉर्म आएगा, ठीक है, वहाँ से वो भेजेगा तो वो मान्य होगा। फिर आगे देख लेते हैं, यहाँ पे फीस वगैरह सारा कुछ हम आपको बता देते हैं, ठीक है, मोटी मोटा सब कुछ आपको पता ही हो गया। फिर यहाँ पे ये लास्ट डेट हो गया, और आपको फीस दिखा देते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है,
एज रिलैक्सेशन का भी बात किया गया है, आप लोग देख लीजिएगा कि एज कितना छूट दिया जा रहा है। और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस का बात कर लें तो यहाँ पे देखिए जो आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, 300 रुपये होगा। और यहाँ पे एक कंडीशन और दे दिया गया है, SC ST फीमेल कैंडिडेट जो है फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या चीज़ है, एप्लीकेशन फीस पेइंग आर एक्सेम्प्टेड फॉर्म पेइंग एप्लीकेशन फीस, ठीक है। फिर आगे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कैंडिडेट में भी ऑफर करके दे दिया गया है। बेनिफिट जो आपका होगा यहाँ पे देखिए, सैलरी के साथ साथ बेनिफिट जो होगा आपको ये दिया जाएगा, अलाउंस में दिया जाएगा, और यहाँ पे ट्रेनिंग डेवलपमेंट का मेडिकल फैकल्टी दिया जाएगा, ठीक है, सारा कुछ आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों ट्रांसफ़र की बात कर लेते, देखिए यहाँ पे ज्वाइनिंग के साथ साथ आपको ट्रांसफ़र तक का भी ब्यौरा बता दिया जा रहा है कि आप ट्रांसफ़र कब करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो ट्रांसफ़र आप करा सकते हैं वो 5 साल के बाद करा पाएंगे, ठीक है। आप जहाँ पे सिलेक्ट हो गए वहाँ पे आपको 5 साल काम करना होगा, उसके बाद आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो आप लोग अगर इच्छुक हैं तो अप्लाई कीजिएगा, और वीडियो तक को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ आपके दोस्तों को भी मिले। दोस्तों यहाँ पे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट तो वेबसाइट पे विजिट कर पाएंगे, ठीक है। वैसे ढूंढने पे फिर आपको परेशानी नहीं होगी, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उस पे लिंक पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट ऑथेंटिक वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, फिर वहां से आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।